जद चंदो करी प्रताप राम देव मणि आवसु राखी जे विश्वा। धरती माते जद जद भार पड़े, जद जद भार पड़ियो धरती पर आप लियो अवतार, पापी दुष्टा ने मारिया बाबू निकलंग ने जा भार। जद जद धरती माते भार पड़े, या तो भगन हजी, या तो हजी भगवान अवतार लेवे या कोई भगत अवतार लेवे, है ना। तो जिन समय एक बार उड़ीसा में अकाल पड़ियो, अकाल पड़ियो, बरसात नहीं हुई, धरती सुकने लागी, लोग दुखी होया, अजमा जी महाराज बटेरा ठाकुर और ठाकुर साहब ने कोई संतान नहीं। अब अजमा जी महाराज भगवान से प्रार्थना करी, बोले हे इंद्रदेव, मैं नगरी रो राजा हूं और आप प्रजा मारे औलाद रे समान है, और हाँ जी मारी नगरी आज अजमाल जी ने कौन लागा अजमाल जी, अरे थे तो अजमल जी वीरा बाजड़ा कही जो ते तो अजमल जी वीरा बाजड़ा कही जो तारा सुगे खराब करना होवे जियो मारे दान ओवे को नहीं मार तो पा तो काल ही है। बोले
मैं थारो मुंडो देखी कर जावा सजनो जी इती बात गई अजमा जमा रे पगा नी तू जमीन निकल गई बोल काल दे लागा क्योंकि शेल शब्द दो एक है जानी करड़ी घात शेल कलेजे बैठ जा शब्द कलेजे पार शब्द री लागी वे सो जाने गापल क्या जाने भाई जिनका लाग गोपी चंद लागी लागी मीरा भाई राजा भरत री ऐसी लागी छोड़ दिलो राजा साई बोल काल दे लागा अजमाल जी महाराज मन में विचार कियो हे अजमाल तू अजमाल नहीं है तू अजमा जो है हाँ यदि प्रजा थारो मुंडो ही कोनी देखे तने थारो राजा होयो कोई काम रोई नहीं है। अजमाल जी महाराज पाछा मुड़ गया रोता 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 धीरे धीरे अपने मेला में पहुंचा आंख्या में आंसुड़ा देख पत्नी मेना देजी क्यों ने लागी पति देव रो क्यों हो आज कई बात हुई है हाँ तो आज घेरो जमानो है अजमाल जी महाराज क्यों ने लागे मेना दे अरे बाजड़ो के मेरे मारो मुंडो कोनी देखे बाजड़ो के मेरे मारो मुंडो कोनी देखे मैं केड़ा काई पापी का माया वारी 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 री कमरी अजे मालरा रूड़ी चीरा राजा है लो सांबड़ो जी खम्मा खम्मा जी बालरा अब पत्नी मेना दे ने अजमा जी केवे हे पत्नी मेना दे बांजड़ो केवे मारो मुंडो को नहीं देखे रानी मेड़ा कहीं पाप मारा एड़ा कई पाप गिर रहा है जो दुनिया मारो मुंडो ही नहीं देखे हे पत्नी मेना दे मैं अब जीऊं तो नहीं रहूंगा मने दुनिया में नहीं रहनो अजमा जी महाराज मरने रो सोचो मेना दे जी बड़ी समझदारी बोले पति देव मरो मत लोगों का काम है कहना लोग तो हाँ जी कहेंगे मरो मत बोले तो उनसुपुरु में अजमा जी महाराज हाँ जी पुत्री प्राप्ति वास्ते 12 वर्ष तक द्वारकाधीश ने जाया भगवान बेटो नहीं दियो मेना दे जी के मरो मत आप 13वीं बार मारा कहना द्वारका चले जाओ और मन विश्वास है भगवान थाने बेटो देवेला आप देखिए विश्वास में कितनी शक्ति है जहां विश्वास है वहां भगवान है और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है सबसे बड़ा विश्वास है बोले आप जाओ और मन विश्वास है भगवान बेटो देवेला अजमाल जी के देख पत्नी मेना दे आगे थारे कहना बारह बार क्यों भगवान को मिलियो ठीक है 13वीं बार जाऊं पर मारी एक शर्त है बोले काई बोले भगवान मने मिलियो तो पाछो घरे आऊंगा और नहीं मिलियो तो पाछो घरे नहीं आऊंगा। अजमाल जी मेरा रवाना होया मेना दे जी भगवान ने प्रसाद रे वास्ते बाजरिया लाडू बनाया अबे तो आजकल गुलाब जामुन हाँ जी रसगुल्ला चमचमन बर्फी अलग अलग आइटम आ गया उन जमाने में के तो तिलरा लाडू होता ना के बाजरिया लाडू होता मीठा भगवान ने भोगरे वास्ते बाजरिया लाडू दिया अजमा जी महाराज मन में विश्वास कर और द्वारका रे मार्गा निकल पड़िया और पहुंचता पहुंचता थे द्वारका पहुंचा और भगवान ने मंदिर सुबह प्रभात रो वक्त 4 बजे रो टाइम हाथ जोड़ खड़ा और भगवान ने क्यों ने लागा प्रभु अरे हाथी जोड़नी अर्ज करूं हाथी जोड़नी अर्ज करूं मैं आयो थारे मारने दुनिया माने मोसा बोले एकता बजरे कारने दुनिया माने मोसा बोले एकता बजरे कारने अजमल सुन रे सामरा इतरो मत बन रे मूजी के रे अजमल सुन रे सामरा इतरो मत बन रे मूजी एकटा
कबरियो माने दीदी नहीं कटी थारी पूजी एक कबरियो माने दीदी नहीं कटी थारी पूजी नहीं दिला तो विघ्न करूला नहीं दिला तो विघ्न करूला आयो घर सुधार ने दुनिया माने मोसा बोले हाथ जोड़ने अनिश करूं हाथ जोड़ने अनिश
तेरिया माने मौसा बोले एकटा बजे कारणे।
गिटा बन दे कारने बड़ा बोले गिटा बन दे कारने कारणे